सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है और ये अपडेट जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड से। महाराष्ट्र बोर्ड के लाखों जो स्टूडेंट हैं क्लास 10 12 के, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एक अनाउंसमेंट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा भी, सुनाऊंगा भी। नमस्कार। मागील काही दिवसापासून कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। 10वी आणि 12वी हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनामधला महत्त्वाचा टप्पा आहे। अगोदरच अभ्यासाचा तणाव, त्यातच रुग्णांची वाढणारी संख्या हाही एक मोठा चिंतेचा विषय झालेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये परीक्षा कशी द्यायची हा सर्वांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आज राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आज चर्चा झाली आणि आम्ही काही निर्णय घेतलेले आहेत। 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचं आरोग्य ही आमची सर्वप्रथम महाविकास आघाडीची प्राथमिकता आहे आणि म्हणूनच 10वी आणि 12वीच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या पुढे ढकलण्यासंदर्भामधला निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। 10वीची परीक्षा सर्वसाधारणपणे जून महिन्यात होईल आणि 12वीची परीक्षा ही मेच्या शेवटी होईल, की जेणेकरून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं कुठलंही नुकसान होऊ नये या गोष्टीवर आमचा भर आहे। ही चर्चा करत असताना मधील काळामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी, त्या ठिकाणी असलेले शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापक, TCS, गुगल यांनी सुद्धा यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला ज्या सूचना दिल्या होत्या त्या आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितल्या। या व्यतिरिक्त जे इतरही बोर्ड आहेत त्या बोर्डांना सुद्धा आम्ही सांगणार आहोत की राज्य शासनाच्या बोर्डाने जो निर्णय घेतलेला आहे तो आपण इतर बोर्डांनी स्वीकारावा असं सुद्धा आता या ठिकाणी त्यांना सांगण्यात येईल, हे मी आपल्याला नम्रपणे नमूद करू इच्छिते। धन्यवाद। उन्होंने अभी भी जो पहले ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, वो मैं आपको बता देता हूं। गिवन द करंट COVID-19 सिचुएशन इन महाराष्ट्र, वी हैव पोस्टपोन्ड स्टेट बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th। उन्होंने कहा है कि भाई क्लास 10 12th के जो एग्जाम्स है उसको पोस्टपोन कर दिए गए हैं, क्योंकि जो करंट सर्कमस्टांसेस है वो किसी भी हालत में सिचुएशन नहीं है एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने पे। अब हैरानी की बात है कि वर्षा गायकवाड़ मैम ने अनाउंसमेंट तो किया, लेकिन ये एग्जाम अनाउंसमेंट आने में इतना टाइम क्यों लग गया, मैं शॉक्ड हूँ। पहले मैं आपको और कुछ अपडेट्स दे देता हूँ कि इस वक्त जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या चेंजेस किए गए हैं, खास इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इनका देखिए नेक्स्ट वीक जो है वो है कि कीपिंग इन माइंड द शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, क्लास 12th एग्जाम्स विल बी हेल्ड बाय एंड ऑफ मे। मतलब क्लास 12th के एग्जाम्स जो हैं वो मई के अंत महीने में लिए जाएंगे, जबकि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे जून में। ध्यान दीजिए, क्लास 10th के एग्जाम्स होंगे जून में। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द हेल्थ सिचुएशन, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं हेल्थ सिचुएशन को। और यहाँ पे एक और भी है, इन्होंने उसके बाद में एक और अपडेट किया, लगातार 3-4 अपडेट्स ट्वीट किए हैं इन्होंने। एक और अपडेट ट्वीट जो इन्होंने किया है उसके अनुसार, वी विल ऑल्सो बी राइटिंग टू द CBSE, ICSE, IB, कैम्ब्रिज बोर्ड्स रिक्वेस्टिंग दैम टू रिकन्सिडर देयर एग्जाम डेट्स। अब मेरा ये सवाल है कि भैया इसको सोचने में आपको इतना टाइम क्यों लगा वर्षा गायकवाड़ मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि सबको पता था कि महाराष्ट्र कोरोना के टॉप लेवल पे जा रहा था, इतना स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करने का मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं था, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, ये जो अपडेट है ये अपडेट हमने आपको दिया। लेकिन इस अपडेट के पीछे में भी अब दो तरह के चीजें निकल करके आएंगी, या तो लड़के खुश होंगे आधे लड़के, या तो बहुत सारे लड़के अभी भी फसा फसा फील करेंगे, क्योंकि उनको क्लियर नहीं किया गया। बात थी जनरल प्रमोशन की या तो ऑनलाइन एग्जाम्स की, लेकिन मिला है इनको पोस्टपोनमेंट, जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला तो है। तो आप सुनिए वर्षा गायकवाड़ मैम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में क्या कहा है, वो सुनिए। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अभी इसी वक्त, और बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।